तो गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम कंप्लीट कर चुके थे हमारा जूट। नेक्स्ट इज शुगर केन। सो शुगर केन इज अ शुगर क्रॉप, ठीक है? इट इज अ शुगर क्रॉप जिसे हम शुगर बनाते हैं, ठीक है, और स्वीटनर एजेंट बनाते हैं, ठीक है। सो अगर इसकी बोटेनिकल नेम की बात करें, डेट इज सैक्रम ऑफिसिनेरियम एंड द फैमिली इज पोएसियाई। द फैमिली इज पोएसियाई एंड द ओरिजन इज साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। सो साउथ एशिया और साउथ का जो एरिया है वो सारा किसका, इसका ओरिजन माना जाता है, किसका? शुगर केन। तो आप याद रख सकते हो एस फॉर शुगर केन एंड एस फॉर साउथ ईस्ट एशिया और साउथ। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, सो पेनिकल इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है और कैरियोप्सिस इसका फ्रूट टाइप होता है। क्रोमोसोम नंबर इज 2n = 80 होता है। एंड लीडिंग स्टेट की बात करें तो यूपी इसका सबसे बड़ा लीडिंग स्टेट है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? यूपी करता है, आफ्टर यूपी महाराष्ट्र। देन अगर बात करें शुगर कंटेंट की, तो शुगर कंटेंट इसके अंदर होता है 21 to 22% शुगर परसेंट होता है, किसके अंदर? शुगर केन के अंदर। नेक्स्ट बात करें कि जो सबस्ट्राइक है सैक्रे एंड द जीनस ऑफ कोर्स सैक्रम, जो हमने सैक्रम ऑफिसिनेरियम पढ़ा, तो इसका जो जीनस सैक्रम है उसको हमने संस्कृत वर्ड से ड्राइव किया है। सो क्वेश्चन बन सकता है कि इसको, सैक्रम वर्ड को कहाँ से ड्राइव किया गया है? तो जो सैक्रम वर्ड है उसको ड्राइव किया गया है संस्कृत वर्ड जिसका नाम मीन्स होता है शर्करा और वाइट शुगर, ठीक है। अ रिमाइंडर डेट प्लांट इज द मेडिटेरियन रीजन फ्रॉम द इंडिया, क्योंकि बिकॉज मेडिटेरियन रीजन जो इंडिया का था वहाँ से भी इसका ओरिजिन माना जाता है ना। सो बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ब्राज़ील जो है हाईएस्ट एरिया अंडर द शुगर केन है, वाइल ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। इफ यू टॉक अबाउट द हाईएस्ट एरिया देन इट इज ऑफ ब्राज़ील, एंड इफ यू टॉक अबाउट द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी देन इट इज ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। एंड इफ यू टॉक अबाउट द रैंकिंग ऑफ इंडिया, डेट इज ऑन द सेकेंड प्लेस, एंड इन द प्रोडक्शन ऑल्सो इट्स ऑन द सेकेंड प्लेस। सो प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग इट्स 85.1 टन पर हेक्टेयर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड हाईएस्ट एरिया इज 5.343 मिलियन हेक्टेयर, एंड इंडियाज रैंक इज सेकेंड इन एरिया एज वेल एज इन प्रोडक्शन। So there is a some crop who are growing for the money purpose that called cash crop, or that crop that we sell in the market completely, है ना? तो that crop we have called sugar cane. तो ऐसा तो होता नहीं कि हम घर में रख लेते हैं शुगर केन को, चीनी बना लेते घर में, नहीं होता ना। हम उसको डायरेक्ट फैक्ट्रीज में ले जाते हैं, हम उसको शुगर मिल्स में ले जाते हैं। सो इसे बोला जाता है कि एक इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप है, ठीक है। अब एक बात है, आपको एक नॉलेज की बात बताता हूँ कि हमें पता है सॉरी, जो एमएसपी होता है ना, एक वर्ड है एमएसपी और एक एफआरपी, दो चीजें होती हैं सभी क्रॉप्स के लिए। क्या अवेलेबल है? डेट इज एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, ठीक है। दूसरा फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइजेस। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइजेस किसके लिए अवेलेबल होते हैं? फॉर शुगर केन। तो शुगर केन के लिए क्या होता है? एफआरपी। एंड एमएसपी किसके लिए होता है? फॉर द अदर ग्रेन क्रॉप, ठीक है। कैश क्रॉप की बात करें तो कैश क्रॉप है कौन? शुगर केन। ये एस्टिमेट लगाया गया है कि अबाउट 50 मिलियन फार्मर डिपेंड अंगेज ऑन द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। तो 50 मिलियन फार्मर है ना, वो शुगर केन के प्रोडक्शन कल्टीवेशन करने में एंगेज है, और 0.5 मिलियन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर इस शुगर फैक्ट्रीज में लगे हुए हैं इस काम के लिए, ठीक है। शुगर केन क्या है? एक रिन्यूएबल नेचुरल एग्रीकल्चर रिसोर्स है जो कि शुगर को प्रोवाइड करता है, बायोफ्यूल प्रोवाइड करता है, फाइबर और फर्टिलाइजर यूज करता है, और माइरेट्स और प्रोडक्ट्स और को प्रोडक्ट बनते हैं इसके, ठीक है। सो बात होती है बायोफ्यूल कैसे बनते हैं भाई। सो बायोफ्यूल कैसे बनते हैं? हमने शुगर केन से शुगर निकाल ली है,
अब उसके बाद जो वेस्ट है, वेस्ट को गला दिया जाता है, सड़ा दिया जाता है, उससे उसमें बनता है मोलास। क्या बनता है? मोलास, ठीक है, मोलास बनता है। मोलास से क्या बनता है? बायोफ्यूल तैयार होता है, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है ये मोलास, ठीक है। तो इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया, और इथेनॉल से कन्वर्ट होने के बाद देन ये एज अ बायोफ्यूल क्या होता है, यूज़ होता है। कौन? शुगर केन। सो फर्टिलाइजर की तरह भी यूज़ होता है, बिकॉज अगर मोलास को हम डायरेक्टली फील्ड में डालेंगे तो अल्टीमेटली ये फर्टिलाइजर की तरह हेल्प करेगा, और कुछ क्रॉप को प्रोडक्ट बेस के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें शुगर केन जूस से, हम ओनली शुगर ही नहीं बनाते हैं, उसके अलावा हम ब्राउन शुगर बनाते हैं, जरगरी बनाते हैं, और इथेनॉल बनाते हैं। इथेनॉल मैंने बता दिया आपको एज अ बायोफ्यूल, और इसके जो बायो प्रोडक्ट है सच एज बगैस और मोलासेस, ठीक है। ब्राउन शुगर को हम खांड सरी बोलते हैं, और जरगरी को हम गुड़ बोलते हैं। मोलासेस द चीफ बाय प्रोडक्ट इन द मेन रॉ मटेरियल ऑफ अल्कोहल एंड दस फ्रॉम अल्कोहल बेस्ड इंडस्ट्री। तो जो मोलासेस है वो बहुत ज़्यादा सस्ता प्रोडक्ट होता है इसका, और इस वजह से उसको अल्कोहलिक फैक्ट्रीज जो होते हैं वहाँ भेजा जाता है फॉर द बेवरेज मेकिंग। सो एक्सेस बैगेज इज नाउ बींग द रॉ मटेरियल ऑफ पेपर इंडस्ट्री। तो जो एक्सेस बैगेजेस होते हैं उसको एज अ पेपर इंडस्ट्री में भेजा जाता है, वहाँ से उससे क्या पेपर तैयार किया जाता है। बिसाइड को जनरेशन ऑफ पावर यूजिंग बगैस एज अ फ्यूल, फिजिबल मोस्ट शुगर फील उसका एज अ फ्यूल भी उसका यूज किया जाता है। अगर बात किया जाए तो जो शुगर केन है वो मिड डे प्लांट डेट मीन डे न्यूट्रल प्लांट है, एंड शुगर केन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, और इसको इसकी जो सुक्रोज के लेवल को रिफ्रैक्टोमीटर से लेवल को मेजर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रॉडली देयर आर टू डिस्टिंक्ट एग्रो क्लाइमेटिक रीजन फॉर शुगर केन इन इंडिया। नंबर वन इज विज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। नंबर टू इज ट्रॉपिकल रीजन शेयर्ड अबाउट 45-50% इन द टोटल शुगर केन एरिया। टोटल शुगर केन एरिया के अंडर, टोटल शुगर केन एरिया के जो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो शुगर केन है दैट इज 45-55% एंड द प्रोडक्शन इन द कंट्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर सब ट्रॉपिकल की बात करें तो उसका अपोजिट है, 55% एंड 45% टोटल एरिया, 50% टोटल एरिया और प्रोडक्शन उसका 45 है। बट अगर ट्रॉपिकल की बात करें वहाँ बारिश ज़्यादा होती है और इसको रेनफॉल ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए वहाँ पे एरिया कम है बट प्रोडक्शन ज़्यादा है, कहाँ पे? ट्रॉपिकल रीजन में। बट इन केस ऑफ सब ट्रॉपिकल वहाँ पे टोटल एरिया ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोडक्शन, क्लियर है। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट द क्लाइमेट, सो क्लाइमेट ऑफ शुगर केन इज 20-26 degrees Celsius, और यू कैन से द आइडियल टेम्परेचर फॉर शुगर केन एंड फॉर गुड जर्मिनेशन इज टेम्परेचर इज 25-32 degrees Celsius एंड इट रिक्वायर्ड 15-0150 centimeter रेनफॉल, और यू कैन से 1500 mm ऑफ वाटर इसे रिक्वायरमेंट है, इतनी रेनफॉल इसको रिक्वायर्ड है, इसलिए ट्रॉपिकल के अंदर इसका प्रोडक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। सोइल की बात करें तो सोइल इसको चाहिए वो गुड ड्रेनेज वाली होनी चाहिए, मीडियम टू लाइट टेक्सचर होना चाहिए उसका, कार्बन कंटेंट 0.5-6 होना चाहिए, पीएच 6.5-7.5 होना चाहिए, ठीक है। और लोमी सोइल के अंदर अच्छी ग्रो करती है, गैंगेटिक और एल्विलर सोइल उसके अंदर भी अच्छी ग्रो करती है। इट ग्रोन ऑन ब्राउन और रेडिश लोम और लैटराइट और ब्लैक कॉटन सोइल, तो वाइड रेंज ऑफ सोइल पे ये ग्रो कर जाता है इजिली, नो प्रॉब्लम। सो लास्ट हम बात करेंगे वेराइटीज की। सो वेराइटीज हमारी हैं डेट इज 3 types, अर्ली मैच्योर, मिड और लेट, और वाटर लॉगिंग वेराइटी, ठीक है। ऐसी वेराइटी जो कि वाटर खड़ा है तब भी वो खराब नहीं होंगी, ऐसी वेराइटीज कौन सी हैं? UP9529, UP9539, कॉम्बिक्टोर, जहाँ इसके पीछे CO लगा है ना वो कॉम्बिक्टोर से बना है, मतलब जो शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ से बना है। कॉम्बिक्टोर पेंट 90223, और ये नई वैरायटी नहीं है, 104 वैरायटी नहीं है, ठीक है, ये इसकी वैरायटी है। मिड और लेट की बात करो, कोएस 765, एक याद रखना पेंट और कॉम्बिक्टोर लिखा हुआ है, तो मतलब कॉम्बिक्टोर और पेंट दोनों का, पेंट है मतलब पंतनगर, ठीक है, पंतनगर में बनी हुई है, कॉम्बिक्टोर दोनों में बनी हुई है ये वाली, तो आपको ये याद रखनी है। और अर्ली मेच्योरिटी के अंदर जो आपकी संजीवनी वैरायटी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो संजीवनी याद रख लेना, ठीक है। सो आज हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट शुगर केन कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर।
बाय।